गोविट के स्टॉल पर, तो आइए जानते हैं कि इस बार किसानों के लिए क्या है नया। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और कंपनी के बारे में बताएं कि किसानों के लिए इस बार क्या है नया। नमस्ते मैडम, मेरा नाम शेखर धांडे है और मैं ग्रोइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज अ स्टेट मैनेजर फ्रॉम महाराष्ट्र के लिए जॉब करता हूँ जी। और हम किसानों के लिए जो एक प्रोटेक्टिव फार्मिंग के बारे में जो हम प्रोडक्ट जो लॉन्च किए हैं या जो प्रोडक्ट उनको तक पहुँचा रहे हैं, आजकल क्या हो रहा है कि जो तापमान का जो अप एंड डाउन का जो सिचुएशन हो रहा है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी ठंड कम ज़्यादा हो रही है, तो उसमें हम प्रोटेक्टिव फार्मिंग के द्वारा उनका नुकसान, क्रॉप का नुकसान हो उसकी वजह से हमने उसके लिए प्रोटेक्टिव फार्मिंग में मल्च फिल्म हो, क्रॉप कवर है, शेड नेट है, एग्री वायर है, एग्री थ्रेड है, वीड मैट है, इस चीज़ों का हमने लॉन्चिंग किया हुआ है और वो किसानों तक हम पहुंचा रहे हैं कि उनकी फसल वो एकदम सुरक्षित रहे और उनको फसल का उत्पादन अच्छा मिले और मार्केट में उनको भाव भी अच्छा मिले, तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। किसानों के पास आपकी जानकारी कैसे पहुंचती है कि कैसे उसको खेती में यूज़ करके उत्पादन को बढ़ाना है, तो इस बारे में आप बताइए। मैडम, हमारा कैसा होता है कि हम एवरी साल में महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कर्नाटक, गुजरात, ये चारों पांचों स्टेट में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे जो लोकल लेवल पे जो स्टेट के जो एग्जीबिशंस होते हैं, हम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसानों से वन टू वन बातें करके ये प्रोडक्ट उनको समझाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, हमारी जो टीम है उस टीम के दौरान भी हम उनको फार्म पे जाके ये सब चीज़ें समझाते हैं और बाकी दूसरी चीज़ें तो हमारे यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी कि किसान उसके ऊपर डायरेक्टली बात करके कृषि डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं, जिस दौरान हम किसानों तक ये पहुँचाते हैं सब चीज़ें। अभी मार्केट में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग रहती है कंपनी? मैडम, कंपटीशन क्या होता है ना मैडम, प्रोटेक्टिव फार्मिंग में आजकल कोई काम नहीं कर रहा है, जो भी काम कर रहा है सब चिपकाने वाले काम कर रहे हैं और हम वो काम नहीं कर रहे हैं। हम फार्मरों का कभी भी लॉस ये नहीं सहन कर, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उसको किसान का समृद्ध देश कहा जाता है और हमारा यही विजन रहेगा कि फ्यूचर में जाके हम किसानों के लिए ज़्यादा कैसे काम करें और सुरक्षित खेती उनकी कैसे बनाए, इसलिए हम यही जानते हैं कि भारत की प्रोटेक्टिव फार्मिंग कंपनी, यही हम एक विजन लेके फार्मर तक ये सब चीज़ें पहुँचाते हैं। मैडम, आगे और कोई प्लानिंग है किसानों के लिए की कंपनी की? मैडम, किसानों के लिए हमने जो अभी प्लानिंग जो कर रहे हैं उसमें कई कंपनियों के साथ हमारा टाइप्स है कि जिसमें हम उनको फंड दिलवा सके, किसी की मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम प्रोटेक्टिव फार्मिंग की ये चीज़ें खरीदें, प्रोटेक्टिव फार्मिंग में वो करें, तो हम उसमें फंड्स रेज करवा के उनको मतलब किसी वाया थर्ड पार्टी से ये करा के हम उनको फंड भी रेज करके वो प्रोटेक्टिव फार्मिंग खरीद सके, ये सब चीज़ें कर सके और नया टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर सके, इसके ऊपर बहुत सारी अच्छी से काम कर रहे हैं। आप हमारे फसल क्रांति के द्वारा किसान भाई को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैडम, फसल क्रांति का जो आज नेटवर्क है पूरे इंडिया में वो बहुत सारे करके अच्छा है और हमारा भी जो नेटवर्क के थ्रू आप लोग जो रनवे कर रहे हैं, तो उस तरफ फसल क्रांति की मेरे मतलब यही शुभेच्छा रहेगी कि जो हमारा जो सब चीज़ें हैं, जो हमारे प्रोटेक्टिव फार्मिंग के प्रोडक्ट हैं, हमारे आपके चैनल के थ्रू ये फार्मर तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। आपने हमें कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे हम आपको ऐसे और भी जानकारी देते रहेंगे, देखते रहिए फसल क्रांति।